भाई ये मैंने पल्सर का लिया है, इन्होंने शायद भाई ने पल्सर का टंकी के नीचे होता है गला, तो बुलेट के हम यहाँ फिट कर रहे हैं इसको पेट्रोल टैंक के अपोजिट साइड, क्योंकि इसमें यहीं पे जगह है। कट दे रखा चाहिए हाँ कुछ आवे का नाम पानी का प्लान नहीं है नहीं वाला का शायद भाई ये भी बताना है कौन सी वेल्डिंग करेंगे, उसमें पीतल की कर देनी है या वैसी नॉर्मल? नहीं ये रोड वाली वेल्डिंग नॉर्मल you
Thank you.
ये भी पुराना फ्यूल गेज लगा के देखें, वो मैं इसको पत्ती मोड़ के ना इसके इसके हिसाब से बना दूंगा मैं। हाँ जी भाई, नहीं घर पे कहीं आया right now you have a 350 classic model, right? And you want to put a fuel meter in the drive. Okay. Huh? Yes, it's possible. आप देख सकते हैं बस पेंट हमारा ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है, बस यहाँ से हल्की किनारी ख़राब हुई है, इसको हम टचिंग करेंगे।
हमारा ये फाइनल हो चुका है। अब इसको आपने देख लिया कि टैंक को कैसा बनाना है, अब इसको फिटिंग करेंगे। और फिटिंग करने के लिए आपको शायद आपने वीडियो देख ली, अगर नहीं देखी है इसका मैंने क्यों करा ये, तो इसके डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, तो आप वो देखिए वीडियो कि फ्यूल मीटर कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो मैंने सारी डिटेल दे दी आपको कि कैसे कैसे करना है ये, तो होप कि आप कर सकते हैं और आप कर ही लेंगे दोस्त, आप हर कोई कर सकता है, बस आपको डेंटर अच्छा मिलना चाहिए। इस काम के लिए हमारा डेंटर बहुत का बहुत मेन रोल है, डेंटर बहुत अच्छा होना चाहिए हमारा।